जय हिंद नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जानदार शानदार जिंदाबाद रहेगा। और दोस्तों आज का वीडियो रहेगा दोस्तों इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट में प्राइवेट पार्ट कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों लोग के बहुत ज्यादा यूट्यूब पर कमेंट्स होते हैं, वो कमेंट दोस्तों पढ़ के बता रहा हूँ कि सर मेरा पेनिस छोटा है चल जाएगा नहीं चल जाएगा, सर मेरा पेनिस तिरछा है हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और मेरे विरसन दोस्तों छोटे बड़े हैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और सर एक और लास्ट कमेंट कहना कि सर मेरे पेनिस में 2 छेद है हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों पूरा कमेंट्स पर है, और वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मैं 3 बार दोस्तों इंडियन आर्मी भारतीय सेना का मेडिकल टेस्ट देकर आया हूं, और दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पूरा अपना अनुभव शेयर करेंगे कि इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट में प्राइवेट पार्ट कैसे चेक किया जाता है, किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, और कभी ये समस्या है तो इस समस्या से कैसे छुटकारा पाना है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल से। वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जी बेटा सबसे पहले आप मुझे बताओ कहाँ के रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र के रहने वाले। महाराष्ट्र में कहाँ से हैं आप? सिरपुर। सिरपुर से हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने जो वृषण होते हैं पकड़ के देखो, पकड़ो कितने हैं? 2 सर। 2। तो इंडियन आर्मी में दोस्तों 2 टेस्टिस होना जरूरी होता है, किसी भाई का 1 होता है किसी का 3 होता। तो दोस्तों आप मेडिकल टेस्ट से बाहर हो जाओगे। 2 वृषण होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, 21-20 से चल जाएगा, हल्का सा छोटा बड़ा है चल जाएगा, लेकिन ज्यादा छोटा है ज्यादा बड़ा है तो दोस्तों हाइड्रोसिल वाली प्रॉब्लम होती है। तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और हाइड्रोसिल का जो ऑपरेशन होता है दोस्तों ऑपरेशन करवाइए और एकदम क्या हो जाइए बेटा, ठीक हो जाइए। सेकंड कमेंट था कि सर मेरा पेनिस छोटा है, तो दोस्तों कोई इशू बात नहीं है, किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा होता है किसी का नॉर्मल होता है। तो ध्यान दिए दोस्तों, कभी आपका पिंटू बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, आपका पिंटू छोटा है कोई दिक्कत नहीं, आपका पिंटू का साइज मीडियम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई साइज डिपेंड नहीं करता है। कभी आपका पिंटू दोस्तों तिरछा जा रहा है इधर है या इधर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक कमेंट था कि सर मेरे जो पिंटू में 2 छेद है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों जो आपका पिंटू होता है 1 छेद होना चाहिए, 1 तुर्री ऊपर जाती है 1 तुर्री नीचे जाती है, कभी ये समस्या है तो डॉक्टर की सलाह ले सर्जरी करवाए, केवल 1 छेद होना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों इंडियन आर्मी में आपका प्राइवेट पार्ट चेक किया जाता है, कोई छोटा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, वृषण आपके 21-20 है चल जाएगा कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन हाइड्रोसिल वाली प्रॉब्लम नहीं। कोई भाई लोग बोलते हैं कि सर जो मेरा पिंटू है जो कवर रहता ओपन हो नहीं हो पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, हो रहा या नहीं हो रहा कोई इशू नहीं है, इस तरह आपका प्राइवेट पार्ट चेक किया जाता है। सेकंड बार बैक की बात करता हूं, इधर आइए बेटा, बैक में दोस्तों डाउन हो जाए पूरा फुल डाउन डाउन, बवासीर वाली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, खड़ो हो जाओ, क्योंकि वहां पर दोस्तों जब भी फौजी भाई बोलेंगे आपको बैंड हो जाओ और खांसा के देखेंगे बोलो खांसी है, और बवासीर वाली प्रॉब्लम है तो वहां पर दिख जाएगी, कभी बवासीर वाली प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह ले और आप अपना चेकअप करवाइए, इसी तरह नॉर्मल तरीके से आपका चेकअप किया जाता है। आंखें आपके 6x6 होना चाहिए, मुंह में कम से कम 4 उंगलियां जाना चाहिए, नाक आपके व्यवस्थित होना चाहिए, कान के 6 नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, कान का पर्दा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, गंदगी वगैरह नहीं होना चाहिए, और जब भी आप मेडिकल टेस्ट देने जा रहे हैं साथियों तो आप अपनी बॉडी को अच्छे साफ सुथरा करके जाए, कटिंग वगैरह सब दूर के बाल कटवा के जाए, और व्यवस्थित तरीके से माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाए, और डरना नहीं है दोस्तों, नॉर्मल तरीके से मेडिकल होता है, फौजी भाई हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एडवांस मत चलना, इसी तरह आपका मेडिकल टेस्ट होता है। आई होप कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना, और आप भी आ सकते हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी और आप भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। अभिनय जो कि आगरा का रहने वाला है इटावा का, और बाबू का इंडियन आर्मी फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और बाबू अब जा रहा है ट्रेनिंग पर, इंदौर फिजिकल एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को।